मैनपुरी थाना भोगांव पुलिस व स्वाट टीम के सहयोग से अवैध असलाह बनाने वाली गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी अशोक कुमार राय ने बताया कि यह गैर अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है जो देश व प्रदेश में अवैध असलाह बनाकर अच्छे दामों में बेचा करते थे। बताया कि कई जनपदों में इनका पुराना आपराधिक इतिहास है, जिनको मुखबिर की सूचना पर एक सफेद रंग की बोलेरो बिना नंबर प्लेट संख्या UP80EP0101 के अलावा 20 अवैध पिस्टल, 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। थाना पुलिस द्वारा सावधानी से टॉर्च की रोशनी का इशारा दिखाकर रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त गाड़ी एकदम रोक कर पीछे की ओर मुड़ने लगी, जहां पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम द्वारा गाड़ी को घेर लिया गया। अंदर गाड़ी में बैठे 4 अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला भी किया गया। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए कड़ी मशक्कत के साथ चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी राज बहादुर उर्फ राजू पुत्र रामलाल सिंह निवासी ग्राम थाना क्षेत्र 8 जनपद आगरा, जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र विष्णु सिंह निवासी मुस्तरा थाना मेहगांव भिंड मध्य प्रदेश, दिनेश पुत्र श्री कृष्ण निवासी कृपा के पूरा थाना गोरमी भिंड मध्य प्रदेश, राजकुमार उर्फ राजू पुत्र हरनाम निवासी दुर्गा नगर भिंड मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मैनपुरी से गौरव पांडे की रिपोर्ट, SKH न्यूज। चुनाव के बाद जैसा आप जानते हैं वायलेंस की कई बार शिकायतें मिलती हैं, पोस्ट पोल वायलेंस, उसी क्रम में हमारी जो साइबर टीम इंचार्ज जो विक्रम सिंह है, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और भगवान इंचार्ज आर्यन सिंह CO और पूरी टीम जो है इसमें रात में चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में एक अंतर्राष्ट्रीय जो असलाह तस्कर ग्रोह है वो फिर कब्जे में आया, एक बोलेरो गाड़ी प्राप्त हुई। उसकी सर्च के बाद फिर 4 अभियुक्त राज बहादुर जो कि आगरा कराने वाला और 3 जितेंद्र दिनेश और राजकुमार ये मध्य प्रदेश भिंड के रहने वाले हैं। सब ये ऐसा तस्कर ग्रोह है जिसको दिल्ली पुलिस ने कुछ समय पहले भी काफ़ी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन अभियुक्तों के पास से 20 कंट्री मेड जो पिस्टल बरामद हुई है और ये लेकर के पूर्वांचल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए ग्रोह अभी पूछताछ जारी है, सप्लाई करने के फिराक में था लेकिन बीच तलाशी के दौरान ये पकड़ लिए गए हैं। और इसे 2 इंट्राइड फोन, एक बोलेरो गाड़ी, साथ में 20 अवैध पिस्टल्स, 32 बोर किए जो हैं और साथ में कुछ कारतूस, ये सब आज बरामद किए गए हैं। इनको फिर जेल रवाना किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि पहले भी कई मामलों में इन्हें जेल भेजा जा चुका है। सर, ये खेप कहीं चुनाव को लेकर तो नहीं आई, इसकी खपत तो नहीं होनी थी चुनाव में? अब पूछताछ जारी है कि पूर्वांचल में किसी गिरोह को सप्लाई करने की प्राप्त है। सर, पुलिस टीम को कोई इनाम की घोषणा की जा रही है? पूरी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया है और हमारी तरफ से 25,000 रुपये का रिवार्ड पूरी टीम को घोषित किया जाता है।